प्रिय दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र नाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। आप लोग जिस प्यार स्नेह से मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपके सहयोग के लिए मेरे प्रत्येक वीडियो मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, फिर भी मैं बोल देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9425308। दोस्तों, एक वीडियो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। चंद्र मंगल केतु की युक्ति का आपके राशियों से क्या संबंध है? दोस्तों, जिसका मेष राशि है उसमें चंद्र मंगल केतु की युक्ति, ऐसे लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, उन्नति में रुकावट आती है, आलसी होते हैं, जिद्दी होते हैं, क्रोधी होते हैं। जिसके कुंडली में वृषभ राशि में चंद्र मंगल केतु की युक्ति है, ऐसे लोग आर्थिक दृष्टि से परेशान रहते हैं, परिश्रम अधिक करते हैं, सफलता नहीं मिलती है, जीवन में संघर्ष अधिक करते हैं। जिस व्यक्ति का मिथुन राशि में चंद्र मंगल केतु की युक्ति है, ऐसे लोग बचपन से ही संघर्ष करते हैं, ऐसे लोगों के माता पिता से संबंध नहीं अच्छे रहते हैं, भाई बंधुओं से संबंध नहीं रहते हैं और पारिवारिक जमीन जायदाद के लिए केस मुकदमा भी लड़ते हैं। जिस व्यक्ति का कर्क राशि में चंद्र मंगल केतु की युक्ति है, ऐसे लोग जिद्दी विचार के होते हैं, झगड़ालू विचार के होते हैं, गलत सोसाइटी करते हैं, नशा पानी के आदि होते हैं, चरित्र भी इनका गिर जाता है। जिस व्यक्ति का सिंह राशि में चंद्र मंगल केतु की युक्ति है, ऐसे लोग की शिक्षा अधूरी रह जाती है, ऐसे लोग इच्छानुसार सफलता नहीं प्राप्त करते हैं, बेरोजगार रहते हैं और इज्जत प्रतिष्ठा पर भी हमला होता है। जिस व्यक्ति का कन्या राशि में चंद्र मंगल केतु की युक्ति है, ऐसे लोग शत्रुविहीन होते हैं, केस मुकदमा में विजय प्राप्त करते हैं, कभी जेल नहीं जाते हैं, कभी इनको सामाजिक प्रतिष्ठा बर्बाद नहीं। जिस व्यक्ति का तुला राशि में चंद्र मंगल केतु की युक्ति है, महिला है तो पति से, पुरुष है तो पत्नी से विवादाग्रस्त जीवन व्यतीत करता है, कुंवारे लड़के लड़कियों का जल्द शादी नहीं होता है और दाम्पत्य जीवन कभी अच्छा सुखदायी नहीं रहता है। जिस व्यक्ति का वृश्चिक राशि है उसमें चंद्र मंगल केतु की युक्ति है, ये शारीरिक रूप से परेशान रहते हैं, ऐसे लोगों को डायबिटीज का रोग होता है, उदर रोग होता है, आँख संबंधी बीमारी होती है। जिस व्यक्ति का धनु राशि है उसमें चंद्र मंगल केतु की युक्ति है, दोस्तों क्या बात है, ऐसे लोग जीरो से हीरो बनते हैं, राजनीति में सफलता पाते हैं, अच्छे पद की प्राप्ति करते हैं, सरकार से भी पूछे जाते हैं। जिस व्यक्ति का मकर राशि है उसमें चंद्र मंगल केतु की युक्ति है, ऐसे लोग अचानक धन की प्राप्ति करते हैं, शेयर बाजार से अच्छा धन कमाते हैं, उद्योग से धन कमाते हैं, व्यापार से धन कमाते हैं और करोड़ों रुपये में खेलते हैं। जिस व्यक्ति का कुंभ राशि है उसमें चंद्र मंगल केतु की युक्ति है, ऐसे लोग विदेश जाते हैं, विदेश से धन कमाते हैं, ऐसे लोग जमीन संबंधी, रियल इस्टेट संबंधी व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं और कई जमीन जायदाद के मालिक होते हैं। जिस व्यक्ति का मीन राशि है उसमें चंद्र मंगल केतु की युक्ति है, ऐसे लोग धन अच्छा संचय, धन अच्छा कमाते हैं परंतु अक्षमातिक इनके धन बर्बाद हो जाते हैं, इनके चौथेपन सुखदायी नहीं रहते हैं, मानसिक पीड़ा में रहते हैं, कमाया हुआ पैसा इनका बर्बाद हो जाता है, इनके संतान से अच्छा संबंध नहीं रहता है और उलझन चौथेपन में अधिक उलझनों के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो चंद्र मंगल केतु
किन किन राशियों में क्या प्रभाव देता है ये आपके सामने मैंने रखा है, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए और इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझसे करिएगा, मैं सहयोग करने का प्रयास करूँगा। इतना कहते हुए वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ, नमस्कार।